राम राम जी। पागल बनो और अपने सपनों को साकार करो। दोस्तों, जब तक दुनिया आपको पागल नहीं समझेगी या आपको पागल नहीं कहेगी, तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आपको जिद करनी पड़ेगी और जिद भी सही चीज की करनी पड़ेगी। यदि सही चीज की जिद करोगे तो आप सफलता की ऊंचाइयों को पालोगे, और यदि आपने गलत चीज की जिद कर ली तो दोस्तों रावण आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है, जिसकी गलत जिद की वजह से लंका उजड़ गई थी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिद की, दुनिया ने जिनको पागल समझा और वे अपने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गए। दोस्तों, थॉमस एडिसन की ये जिद की वजह से हुआ है कि आज आप रोशनी में बैठकर खाना खा रहे हो, पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। हजार बार फेल हुए थे दोस्तों वे बल्लभ बनाने के समय, दुनिया उन्हें पागल समझती थी, मजाक उड़ाती थी, लेकिन थॉमस एडिसन हार नहीं माने और चलते रहे, और जिद की वजह से ही उन्होंने बल्लभ का आविष्कार किया था। ऐसे बहुत सारी और भी हस्तियां हैं। यदि आप दशरथ मांझी की बात करो, उनकी बीवी का इलाज नहीं हुआ था दोस्तों, बीमारी का इलाज नहीं हुआ था, क्योंकि उनके गांव से और हॉस्पिटल के बीच में पहाड़ आता था। उन्होंने जिद कर ली कि इस पहाड़ को तोड़ेंगे, अकेला ही लग गया, दुनिया ने मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई दशरथ मांझी की। 22 साल की मेहनत के बाद लगातार अपनी जिद पर अड़े रहे और कहते रहे जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, और दोस्तों 22 साल की मेहनत के बाद उस पहाड़ को काटकर वहां से रास्ता बना दिया। अरुणिमा सिन्हा, जिनके दोनों पांव खत्म हो चुके थे, ऐसी कंडीशन थी जिस कंडीशन में हम एक गेम खेलने के बारे में नहीं सोच सकते, और उन्होंने जिद की थी कि वो माउंट एवरेस्ट पर फतेह करेगी, और दोस्तों किया भी। दोस्तों, लाखों एग्जाम्पल हैं ऐसे जिन्होंने अपनी जिद करके इतिहास रच दिया, इतिहास बदल दिया, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। दोस्तों, जिद करने की आदत, जिद करने की ये खूबी सब में है, आप में भी है और मुझ में भी है। बस थोड़ा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आप आज रिलैक्स एक जगह बैठे आराम से हैं, आपको इस जोन से बाहर आके एफर्ट लगाने पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने सपने देखने पड़ेंगे, जो अपने सपने संजोए हैं, जो किसी वजह से सो गए थे, आपको उनको जगाना पड़ेगा, कुछ अपने पैशन को फॉलो करना पड़ेगा, अपने जिद करनी पड़ेगी अपने सपनों को साकार करने के लिए। और गारंटी लेता हूं, यदि आपने जिद कर ली, आप यदि दुनिया आपको पागल कहने लगी, तो सोच लीजिए आप सही रास्ते पे हैं, आप भीड़ से अलग कुछ कर रही हैं। दोस्तों, अभी उठिए, अपने सपने को लिखिए और उसके पीछे पागल हो जाइए, सब सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, आपकी जिद कोई भी हो सकती है, आपका पागलपन कुछ भी हो सकता है। जैसे एक खिलाड़ी ये जिद कर सकता है कि वो अपने खिलाड़ी में, अपने खेल में बेस्ट करके दिखाएगा। एक बिजनेसमैन ये सोच सकता है कि वो अपने बिजनेस में टॉप पर आएगा। एक यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जिद हो सकती है कि आपका एग्जाम इसी बार में करेक्ट होगा। तो दोस्तों, जिद करनी जरूरी है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, ऐसे पैशन को फॉलो कीजिए जिसको आप थोड़ी दिक्कत में भी आराम से कर सकते हैं, बिना पैसे के भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अब पैशन फॉलो करना जरूरी है, जिद करनी पड़ेगी, पागल करनी पड़ेगी, पागल बनना पड़ेगा, जब तक पागल नहीं बनोगे सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो को यहीं पर आराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।